एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी और नेक्रोसिस। नेक्रोसिस लिखते हैं लेकिन एक्चुअल में इसे हम नेक्रोसिस नहीं कहते क्योंकि नेक्रोसिस इस केस में रेयरली ऑब्जर्व होता है। किसी ने आपसे पूछा एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, नेम देखकर आपको पता लग रहा है कि ट्यूब्यूल्स में इंजरी है। मेनली ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, एपिथीलियल सेल्स से बनी हुई है, तो उन एपिथीलियल सेल्स में इंजरी हुई है। ये जो एपिथीलियल सेल्स हैं ये क्या होंगे, ये यूरिन में आएंगे। तो ये इसका एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही ये आए कि एपिथेलियल सेल्स यूरिन में आ रहे हैं एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में। जो इंजरी होती है इसमें जीएफआर कम हो जाता है, ठीक है, जीएफआर कम हो जाता है और ओलिगोयूरिया होता है। क्यों होता है ये सब हम अब डिस्कस करें। कॉज अगर हम डिस्कस करें कि क्यों होती है ये इंजरी, दो रीजंस की वजह से होती है। सबसे पहला है रीज़न इस्कीमिक, इस्कीमिक एटीआई। एटीआई इज़ व्हाट, एटीआई इज़ एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी और बुक्स में एटीआई लिखा होगा, इस्कीमिक एटीआई। सेकंड इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रो मींस नेफ्रॉन, टॉक्सिक दैट मींस टॉक्सिक, एटीआई एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। तो इस्कीमिक एटीआई में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड नहीं आएगा तो ऑब्वियसली यूरिन में, यूरिन कैसे बनेगा क्योंकि ब्लड ही तो फिल्टर होकर यूरिन बनाता है, तो इस्कीमिया हो गया। अब इस्कीमिया काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है इस्कीमिया का कि ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड लॉस हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि थ्रोम्बस आ गया, थ्रोम्बस हो गया कहीं पे, अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है, थ्रोम्बस इज ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बस एक क्लॉट होता है जो कि मूव कर गया, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया। अब वो थ्रोम्बस बन गया और क्लॉट ऐसे ये हो गया, तो अब ऑब्वियसली जो ब्लड आ रहा था वो कम आएगा। अब वो किस केस में थ्रोम्बस बन सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गई है उस केस में बन सकता है, ये एक रीज़न है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्या हो सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोज कोई था और कोई ब्लड ग्रुप दे दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोएगुलेशन वो होगी तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो गया। तो कोई भी रीज़न हो, ट्रॉमा हो, थ्रोम्बस हो, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इनकी वजह से इस्कीमिया हो गया, ब्लड ही नहीं आया। नेफ्रोटॉक्सिक में क्या हुआ कि टॉक्सिन जो है वो ब्लड के अंदर है, अगर ब्लड के अंदर होगा तभी तो वो नेफ्रॉन तक आएगा क्योंकि ब्लड ही तो आता है, तो टॉक्सिन है हमारे ब्लड के अंदर और नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो गया। अब ये क्यों हो सकता है, टॉक्सिन क्या हो सकता है, टॉक्सिन एक हैवी मेटल हो सकता है, हैवी मेटल में कौन आ सकता है, हैवी मेटल में मर्करी आ सकता है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, या फिर ड्रग्स हो सकती हैं। ड्रग्स में कौन आता है, ड्रग्स में आता है जेंटामाइसिन, ये एक ड्रग है, और भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं प्लस एंटीबायोटिक्स और जो कि ये टॉक्सिन की तरह बिहेव करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजेनेसिस अगर हम पढ़ें, एक टॉपिक अलग से बना लेते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ट्यूबुलर, लेकिन मेनली कौन सा ट्यूबुल, क्योंकि कितने ट्यूबुल्स हैं, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनली है, डीसीटी है, कलेक्टिंग है, तो मेनली किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेनली उस पे इफेक्ट पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है या फिर जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सॉल्यूट्स आ रहे हैं, दैट इज़ पीसीटी, क्योंकि पीसीटी सबसे पहले आता है ना, तो सबसे पहले पीसीटी आया। पीसीटी वाले जो सेल्स हैं वो ज़्यादा, हम बोलते हैं कि पीसीटी के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अब वो ज़्यादा सेंसिटिव है उसका क्या मतलब है, सेंसिटिव टू व्हाट, सेंसिटिव टू हाइपोक्सीमिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, तो इस्कीमिया मतलब ब्लड हाइपोक्सीमिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पीसीटी पे पड़ता है। क्यों पीसीटी पे पड़ता है, क्योंकि पीसीटी को हमें पता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पहुँचती है। तीन रीजन, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सोल्यूट्स की सबसे ज़्यादा इसके पास पहुँचती है क्योंकि सबसे पहले ये है। सेकेंड थिंग, इसने सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी है, हम बोलते 60% रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो सोल्यूट्स की और वाटर की यहाँ से पीसीटी से होती है, तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इसने करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोल्यूट्स इसके पास आ रहे हैं, और इन सब को करने के लिए उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्यों, ताकि वो एटीपी बना पाए। क्यों एटीपी बना पाए, एटीपी से वो क्या करता है, उसके उसने अपने वो पंप्स चलाने हैं, सोडियम एटीपी पंप या कोई भी ऐसे पंप है वो चलाने हैं, उसका काम है। तो इन सब की ये तीन रीजन, सबसे पहले कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स पहुँचते उसके पास ज़्यादा है, सेकंड रीअब्जॉर्ब करने क्योंकि पहुँचते ज़्यादा है, रीअब्जॉर्ब करने इसीलिए उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है, पीसीटी को। कोई पूछे तो ये रीज़न दे देने हैं। तो अब होगा क्या, पीसीटी पे इफेक्ट पड़ने पे होगा ये कि जो हमारे स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन आएगी, एपिथीलियम में कैसे आएगी, हमने एक वर्ड बोलना है लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी। क्या बोलना है, लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी।
सेल पोलैरिटी का मतलब क्या है? क्या होता है कि जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ऑब्वियसली कुछ पंप्स की वजह से होती है, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप हो गया, या फिर एटीपीएस जैसे कि, या फिर सोडियम एटीपीएस हो गया अलग से। तो इनकी जो डायरेक्शन है, मतलब कि ये जहाँ पे थे वहाँ से, सपोज ल्यूमिनल में थे, ये वाली साइड पे थे, ये एक सेल है ठीक है, ये पीसीटी है और ये उसका सेल है, यहाँ पे थे तो उसने यहाँ कर दिया, ल्यूमिनल से बेजल, बेजल पे यहाँ पे, मतलब उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी। लोकेशन चेंज होने की वजह से, मतलब सेल ऑफ लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी की वजह से, अब सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी प्रॉक्सिमल में वो कम हो जाएगी। अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन अगर कम हो गई, वहाँ से रीअब्जॉर्ब कम हुआ, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा सोडियम जो है वो डीसीटी तक पहुँच गया। अगर टीसीटी ने सोडियम एब्जॉर्ब कम किया तो डीसीटी के पास ज़्यादा सोडियम पहुंचा। अब डीसीटी जब ज़्यादा पहुंचेगा सोडियम, तो उसके पास जीजी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। वो सेंस करते हैं कि सोडियम ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन कम हुई, तो वो कहते हैं कि ब्लड को बोलते हैं कि आराम से आए, कम आए, ताकि क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो कहता है कि कम आए ब्लड, ताकि पीसीटी आराम से, पीसीटी आराम से सोडियम सेल्स, सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना फीडबैक देता है। फीडबैक किसके थ्रू देता है? रेनिन एंजियोटेंसिन ये वाले सिस्टम से, थ्रोम्बोक्सिन सिस्टम से, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से वो अपना फीडबैक देता है। फीडबैक क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 1 बनता है, रेनिन बनता है, उसके बाद 1 बनता, 1 के बाद 2 बनता है, 2 जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, और ज़्यादा अगर जो एफरेंट आर्टेरियोल थी उसको और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, अब इतना कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया कि पहले ही वो इस्कीमिया में था, हाइपोक्सीमिया में था, ठीक है। अगर हमने उस ब्लड वेसल को और वो कर दिया तो परफ्यूजन जो है वो और कम हो गई, तो हमने और ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया। फ्यूजन कम होने से क्या हुआ कि हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, उनके में क्या होगी, उनमें हाइपोक्सीमिया हो गया और उनके डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई। अब क्या होता है कि जो एंडोथेलियम है, अगर वो डिस्ट्रॉय होती है, तो फिर एक रिलीज होता है सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलिन। एंडोथेलिन का फंक्शन होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। क्या होता है एंडोथेलिन का, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो फिर और ज़्यादा कम परफ्यूजन हो गई, तो ये एक साइकिल बन जाता है। ये सारी चीज़ें क्लॉग होनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि एपिथेलियम सेल जो हैं वो स्लफ्ट ऑफ हो रहे थे, वो निकल रहे थे अपनी अपनी जगह से, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो ऑब्वियसली ट्यूब्यूल में जाएंगे। ट्यूब्यूल में वो क्या हुआ कि उन्होंने क्लॉग बनाना शुरू कर दिया, एपिथेलियम सेल्स निकले और उन्होंने क्लॉग बना दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें आ रही थी, वो अब आगे यूरिन में नहीं जा सकती। सपोज यहाँ पे भी एक क्लॉग है, तो वो नहीं यूरिन में जा पा रही, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे, ये वाली सारी चीज़ें। तो इसीलिए इंटरस्टिशियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इंटरस्टिशियम का भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा एग्जैजरेट कर देगा इस कंडीशन को कि जीएफआर और कम हो जाए। इन सब से बेसिकली क्या होता है, ये कोलैप्स हो जाता है, इतना सब कुछ हो रहा है उससे वजह से कोलैप्स हो जाता है रीनल फंक्शन का। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें कि मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिखता है, वही दिखेगा जो हो रहा है। क्या दिख रहा है हमें, कि स्लफिंग हो रही है, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम जो थी हमारी, उनकी स्लफिंग हो रही है। और हमें क्या दिखेगा कि टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है, टैम हॉर्सफॉल, इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको याद रख लेना कि जब भी ये वर्ड है हॉर्सफॉल प्रोटीन, इसका मतलब ये है कि कोई कास्ट निकल रही है, ये उसकी कास्ट होती है। ये सपोज टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन जो है ना, ये मान लो कि ये एक ऐसे करके जिसमें, जैसे जाली वाला होता है ना, जालियाँ वो लगी हुई हैं, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें जालियाँ लगी हैं। अब जो भी यूरिन में बड़ा मटेरियल आएगा वो इसके अंदर जाके फंस जाएगा। अभी इस केस में क्या है, इसमें एपिथीलियम है या कोई भी और चीज़, अगर सपोज कि वो हुई है, क्रश इंजरी हुई है, क्रश इंजरी में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो टूट के मायोग्लोबिन में बन गया, मायोग्लोबिन जो है वो आ गया हमारी उसमें ट्यूब्यूल्स में, तो क्रश इंजरीज में क्या होता है, इसके अंदर मायोग्लोबिलिन में आएगा, तो मायोग्लोबिलिन कास्ट आ सकती है, ग्रैनुलर कास्ट आ सकती है, कोई ऐसी कास्ट आ सकती है बेसिकली। और क्या होता है कि जनरलाइज्ड इंटरस्टिशियम एडीमा, इंटरस्टिशियल एडीमा क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो इंटरस्टिशियम में आ जाती है, ठीक है, अगर वो चीज़ें आएंगी, वाटर आएगा, तो यहाँ पे एडीमा बन जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ओलिगोयूरिया दिख रहा है, ओलिगोयूरिया की जगह एन यूरिया भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉट है तो क्लॉग बने हुए हैं, तो आगे जा ही नहीं रहा यूरिन, तो ओलिगोयूरिया। इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मैलिटी है,
किसकी एबनॉर्मेलिटी है? इलेक्ट्रोलाइट की. क्यों? क्योंकि हमने बोला कि सोडियम पोटेशियम पंप्स जो हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उनके सेल्स को. यूरिमिया, क्योंकि यूरिन जो है वो जा ही नहीं रहा, तो फिर यूरिमिया, ब्लड के अंदर यूरिन हो रहेगा. और फ्लूइड जो है उसकी रिटेंशन हो रही है, हमने बोला एडिमा हो रहा है, तो फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है. क्या हो जाती है? हाइपरटेंशन. तो इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि अगर हम डायलिसिस कर दें, डायलिसिस मतलब किडनी के ऊपर भरोसा ही ना करें और डायलिसिस कर दें. अगर डायलिसिस नहीं करेंगे तो ही विल डाई. अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो हमें दिखता है कि जो एपिथीलियल सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन हो रही है. रीजनरेशन होकर वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियल, लो क्यूबॉइडल. अगर वो रहता है इंसान तो उसकी एपिथीलियल सेल्स जो स्लफ ऑफ हो रहे हैं उनकी रीजनरेशन होती है और वो क्या बनाते हैं? लो क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.